आज के वीडियो का टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो करने देता है और कैसे रिवर्स बायस में करंट को रोक देता है, वही हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड दो मटेरियल से बना हुआ होता है, एक होता है पी टाइप मटेरियल और एक होता है एन टाइप मटेरियल। अब पी टाइप मटेरियल के अंदर होल्स होता है, लेकिन इसके अंदर जो माइनॉरिटी होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एन टाइप जो लेयर है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, लेकिन इसके अंदर माइनॉरिटी जो चार्ज होता है वो होता है होल्स। अब जैसे ही पी और एन लेयर को दोनों को जैसे ही हम एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके जो बीच में क्रिएट होगा एक जंक्शन। यहाँ पर देखो पी टाइप में क्या है, होल्स है, और यहाँ पर एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे हम इन दोनों को एक साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, इसके पास मतलब एन टाइप में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, यहाँ पर जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पर जो होल से उस होल को फिल कर देगा। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में चला आएगा। जैसे ही एन टाइप का जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो जैसे ही पी टाइप में आकर होल्स को जैसे ही फिल कर देगा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले जहां पर था उस जगह को छोड़कर जैसे ही पी टाइप में चला आएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन जहां पर था वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर पी साइड में क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा बहुत टाइम तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जैसे आता ही रहेगा, एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चलाएगा और यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाएगा। पी साइड में एक इलेक्ट्रॉन का लेयर क्रिएट हो जाएगा एंड एन साइड में एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ देर बाद एन साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जंक्शन को क्रॉस करके इस तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा और आने नहीं देगा। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो होल्स को यहाँ पर आने नहीं देगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों का एक लेयर क्रिएट हो गया है, इसे कहते हैं हम डिप्लेशन लेयर। अब यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो गया है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन डायोड में बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्टेज और जर्मेनियम डायोड में बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्टेज। तो बैरियर पोटेंशियल क्या है, एक्चुअली इस डायोड को, सिलिकॉन डायोड को एक्टिव कंडीशन में लाने के लिए इस डायोड में मिनिमम 0.7 वोल्टेज आपको सप्लाई देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये डायोड एक्टिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आगे समझेंगे हम, ठीक है। अब इस डिप्लेशन लेयर को मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू कलर और रेड कलर, क्योंकि मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ इस कलर की एग्जांपल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे, बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है वो हम क्या करेंगे, इस रेड वाले मतलब होल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और बैटरी का जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड हम ब्लू वाले के साथ कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ। अब पॉजिटिव से क्या होता है, बहुत सारे होल्स और निकल के आता है और यहाँ पर जो ऑलरेडी होल्स है उस होल्स को रिपेल करता है, मतलब पुश करता है होल को, और यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से और बैटरी के नेगेटिव साइड से और इलेक्ट्रॉन निकल के आता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे भी पुश करता है, ठीक है। अब दोनों साइड से दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, इस डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे छोटा होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर 0.1 वोल्टेज सप्लाई दिया है, अब मैं इस वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा 0.7 वोल्टेज तक, मैं इस वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा, ठीक है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की दबाव की वजह से यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है ये धीरे धीरे छोटा होगा एंड इसका रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे घट जाएगा, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि जैसे ही 0.7 वोल्टेज से जैसे ही वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा एंड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा एंड इस जो डायोड है इस डायोड से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन लेयर होता है वो डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे छोटा होता है, डिप्लेशन लेयर का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटना चालू होता है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम 0.7 वोल्ट सप्लाई हम नहीं देंगे तो क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से गायब नहीं होगा, ठीक है। डिप्लेशन लेयर थोड़ा सा घटेगा लेकिन इस डायोड में से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन लीकेज करंट ज़रूर फ्लो होगा क्योंकि इसके अंदर
पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन से एंड एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी होल से। तो इसीलिए इस कंडीशन में क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा, लेकिन नॉर्मल करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं होगा, इसके अंदर से लीकेज करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिवर्स बायस में ए डायोड कैसे काम करता है। ठीक है, देखो अभी नॉर्मल कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस बैटरी को उल्टा करके कनेक्ट करूँगा, मतलब यहाँ पर जो होल से उस होल साइड को मैं बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करूँगा और जो नेगेटिव साइड है मतलब एन टाइप जो है, ठीक है, उसको मैं पॉजिटिव साइड से मैं कनेक्ट करूँगा। तब क्या होगा, बैटरी के नेगेटिव साइड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर जो होल से उसे खींच लेगा और यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है उस साइड से क्या जाएगा, होल्स जाएगा। होल्स क्या करेगा, यहाँ पर जो नेगेटिव साइड का जो इलेक्ट्रॉन है इसे खींच लेगा अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, अब जैसे ही अपने तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर के ऊपर जो दबाव था वो दबाव घट जाएगा। दबाव घटने के कारण ये जो डिप्लेशन लेयर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा एंड इनका जो बैरियर जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, इसका जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाता है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन लीकेज करंट ज़रूर फ्लो होता है क्योंकि इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है माइनॉरिटी एंड जो नेगेटिव साइड है वहाँ पर होल्स होता है माइनॉरिटी। इस साइड में क्या, हम जैसे ही हम नेगेटिव साइड को कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन को बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, और जो होल्स वाला जो साइड है उस साइड से होल्स निकलेगा। इन साइड में ऑलरेडी माइनॉरिटी होल्स है, उस होल्स को बैटरी का जो होल्स है वो रिपेल करेगा। ठीक है, एक टाइम पे वोल्टेज हम इंक्रीज करते करते ऐसा काइनेटिक एनर्जी इस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाएगा ना, माइनॉरिटी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐसा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा कि क्या होगा, वो इस बैरियर पोटेंशियल मतलब इस डिप्लेशन लेयर को तोड़कर करंट फ्लो कर देगा। जैसे ही तोड़कर करंट फ्लो कर देगा ना, तो क्या होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होगा, इतना तेजी से एक्सचेंज होगा ना कि क्या होगा, यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है पूरी तरीके से टूट जाएगा एंड डायोड जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब डायोड पूरी तरीके से जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस में डायोड ऐसे ही काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा।